हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपको पता है यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ था? वैसे तो 100% श्योरिटी के साथ ये बात कोई बता नहीं सकता यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ, पर एक काफ़ी मशहूर थियोरी हमें इस बारे में बताती है और इस थियोरी को कहा जाता है द बिग बैंग थियोरी। आपने ये नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। इस नाम से एक काफ़ी फेमस सीरीज भी टेलीकास्ट हुई थी, पर अभी हम उसे साइड में रखते हैं और समझते और जानते हैं इस थियोरी के बारे में। जिन्होंने ये थियोरी प्रपोज्ड की है उनका नाम है जॉर्ज लेमेट्रे, जो कि एक महान फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, कॉस्मोलॉजिस्ट थे, जिनका जन्म बेल्जियम में 17 जुलाई 1894 को हुआ था। बिग बैंग थियोरी के हिसाब से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, ना ही कोई प्लैनेट, स्टार, टाइम, स्पेस, गैलेक्सी, तब सिर्फ छोटा सा पॉइंट एग्जिस्ट करता था जो कि एक प्रोटॉन के साइज का था और काफ़ी सारी एनर्जी उसमें समाई हुई थी। थियरी के हिसाब से उस पॉइंट को कहते हैं सिंगुलैरिटी। अचानक ये पॉइंट एक्सप्लोड हुआ और इससे हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इस एक्सप्लोजन वाली घटना को कहा जाता है द बिग बैंग। महाविस्फोट के बाद एक सेकंड के करोड़वें हिस्से से भी कम समय में यूनिवर्स का जन्म हुआ और टाइम, एनर्जी, स्पेस ये सब एग्जिस्टेंस में आए और यूनिवर्स का विस्तार मतलब एक्सपांशन होना चालू हुआ। विस्तार के साथ साथ ब्रह्मांड ठंडा होता गया और टेम्परेचर को ठंडा होने के लिए 380,000 ईयर्स लग गए और उस टाइम पीरियड को कहा जाता है डार्क टाइम, जहाँ लाइट, रोशनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, सिर्फ अंधेरा ही था। और करीब 400,000 साल बाद लाइट एग्जिस्ट में आई। जब ब्रह्मांड ठंडा होता गया, जिससे मैटर्स का जन्म हुआ और मैटर एग्जिस्ट करते थे इन फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, जिसमें चार्ज पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे। इस स्टेज पर यूनिवर्स काफ़ी एनर्जेटिक था, जिससे स्टेबल एटम्स का फॉर्मेशन हुआ। जैसे ही यूनिवर्स ठंडे होता गया, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होने लगे और न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रोसेस को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। हाइड्रोजन के बाद हीलियम बना और इन दोनों से मिलकर लिथियम। बेसिकली दो टाइप के मैटर का जन्म हुआ था, मैटर और दूसरा एंटी मैटर, जो एक दूसरे के अपोजिट थे। सो जब दोनों मैटर एक दूसरे से रिएक्ट होते तो एक्सप्लोजन होता और दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देते। इस तरह मैटर की जीत और एंटी मैटर की हार हुई और इसी तरह फॉर्चुनेटली एक मैटर जो एक्स्ट्रा रह गया, उस मैटर का एक्सप्लोजन हुआ जो हम लोगों के लिए लकी था। अब इसी मैटर के चलते पूरी दुनिया बनने वाली है। धूल जैसे दिखने वाले इस ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम करने लगा, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण एटम एक दूसरे से जुड़ने लगे। जैसे मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट करता था और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाइड्रोजन एटम कॉम्प्रेस होना चालू हुए और जिसके कारण टेम्परेचर लाख डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। हाइड्रोजन एटम जब कॉम्प्रेस होते होते टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, तब एक प्रोसेस चालू हो गई जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जिसमें से काफ़ी सारी एनर्जी निकली, जिसके कारण ब्रह्मांड, यूनिवर्स का पहला तारा अस्तित्व में आया। इस प्रोसेस को सुपरनोवा कहा गया। इस तरह लाखों सालों में करोड़ तारे का जन्म हुआ और अलग अलग शेप और साइज का फॉर्मेशन हुआ, जिन्हें हम कहते हैं गैलेक्सी, और इसी तरह करोड़ गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। बिग बैंग के 500 बिलियन साल बाद गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ और हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है द मिल्की वे, जो एक स्पाइरल शेप की है। एक बात और आपको बताना चाहती हूँ, एंड्रोमेडा ये हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है। अब इस गैलेक्सी द मिल्की वे में डस्ट पार्टिकल्स, एस्टेरॉइड्स, हाइड्रोजन एटम, ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद था। अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाइड्रोजन एटम कॉम्प्रेस होना चालू हुए और जिसके कारण टेम्परेचर लाख डिग्री सेल्सियस और करोड़ डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया। अगेन न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, जिसमें से काफ़ी सारी एनर्जी निकली और जिसके कारण गैलेक्सी का पहला तारा अस्तित्व में आया, जिसे हम सन कहते हैं।
ठीक उसी पीरियड में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एस्टेरॉइड्स एंड अदर पार्टिकल्स कॉम्प्रेस होने लगे, जिसके कारण प्लैनेट्स का जन्म हुआ। और सोलर सिस्टम जिसमें एक प्लैनेट रॉकी प्लैनेट मतलब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें हम और आप अभी रहते हैं। बिग बैंग के 4.5 बिलियन ईयर्स के बाद प्लैनेट का जन्म हुआ था। सन के फॉर्मेशन के बाद सन ने सोलार विंड को इरप्ट किया, जिसके चलते सारे डस्ट पार्टिकल सोलार सिस्टम के बाहर निकल गए और सिर्फ वही पार्टिकल्स बच गए, सॉरी वही प्लैनेट्स बच गए जो साइज में काफ़ी बड़े थे। हमारा सोलार सिस्टम बना है सन और 8 प्लैनेट्स और सैटेलाइट से, और हजारों नंबर में छोटे हेवनली बॉडीज जैसे एस्टेरॉयड, कॉमेट्स और मेट्योर्स से। उन 8 प्लैनेट्स का नाम है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। सन हमारे सोलार सिस्टम का सेंटर है और सारी दूसरी बॉडीज और प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ 450 करोड़ साल पहले, और ये बात साइंटिस्ट के अनुसार कही गई है, तब अर्थ और मार्स के बीच में एक प्लैनेट थिया नामक भी सन के अराउंड रिवॉल्व हुआ करता था। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ और थिया में टकराव होने के कारण थिया डिस्ट्रॉय हो गया और अर्थ के पार्टिकल्स स्पेस में फैल गए और एक रिंग की तरह अर्थ के चारों ओर घूमने लगे। जो पार्टिकल्स अर्थ के चारों ओर घूम रहे थे उनमें टकराव हुआ, जिसके कारण चांद मतलब मून जो कि एक सैटेलाइट है का उसका निर्माण हुआ। थिया नामक प्लैनेट अर्थ से टकराव के कारण अर्थ पर सिर्फ एक ही समुद्र मतलब सी हुआ करता था, वो था 1900 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर उबलता हुआ लावा। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, जिसके कारण अर्थ के हैवी पार्टिकल्स जैसे रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स सेंटर में जाके एकत्रित हो गए और लाइट वेटेड पार्टिकल्स अर्थ के आउटर सरफेस में एकत्रित हो गए। इसके बाद करोड़ साल तक मेटेरॉइड की अर्थ पे बरसात होती रही और ये मेटेरॉइड बने हुए थे सॉल्ट, मिनरल और वाटर से, जिसके कारण अर्थ की अपर पार्ट पानी से ढक गई। और साइंटिस्ट के अनुसार दूर गहरे पानी के अंदर निकले ज्वालामुखी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक समय ऐसा आया जब अर्थ पानी से ढक चुका था, जबकि अर्थ का सेंटर रेडियोएक्टिव पार्टिकल से बनने के कारण हरदम गर्म होता रहता, पर जब भी अर्थ का आउटर और अपर पार्ट ठंडा हो जाता तब अर्थ के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण हजारों संख्या में ज्वालामुखी निकलने लगे और ये प्रोसेस लाखों ईयर्स तक चलती रही, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हुआ। अब इस समय अर्थ पर वातावरण ना होने की वजह से फिर से मेटेरॉइड अर्थ को हिट करने लगे। आज से करीब 300 करोड़ साल पहले जब ज्वालामुखी निकलना बंद हो गए और क्लाइमेट धीरे धीरे स्टेबल होता गया, तब एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म विकसित मतलब इवॉल्व होने चालू हो गए। आज से करीब 250 करोड़ साल पहले ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करने लगे और ऑक्सीजन बाहर निकालने लगे। इस समय ज्वालामुखी निकलना बंद हो गए थे और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ने से अर्थ वायुमंडल बनना शुरू हो गया और साथ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैल गए। एक वक्त ऐसा आया जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरने लगे। उस वक्त ज़मीन ठंडे होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भर गई थी, जिसके कारण ज़मीन और वातावरण में आयरन के मिनरल्स और पानी से निकलते ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। और एक समय ऐसा आया जब अर्थ आज के समय के मार्स जैसी गर्म हो गई और अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण अर्थ के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा।
जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई और अर्थ पर एसिड रेन की बारिश होना चालू हो गई। इसके कारण अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा और वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया और अर्थ पर आइस एज आया, जिसमें पूरा अर्थ आइस से ढक चुका था। फिर से ज़मीन के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी के फॉर्म में बाहर निकलने चालू हो गई, जिसके कारण आइस मेल्ट मतलब पिघलना शुरू हुआ। और इसी बीच माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कहीं डीप अर्थ में थे, उन्होंने बड़ा और मजबूत होने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करना चालू किया। इस बीच पानी में छोटे प्लांट्स फॉर्म होना चालू हो गए। जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ गई और प्रोसेस चलती रही हजारों सालों तक। इस बीच एनवायरनमेंट चेंज के चलते माइक्रो ऑर्गेनिज्म विकसित होने लगे और इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म सी शेल मतलब समुद्री जीव में कन्वर्ट हो गए। क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो होना स्टार्ट हो गए और अर्थ में ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया और एसिड रेन होना कम हो गई। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से अर्थ की ओजोन लेयर मोटी हो गई। आज से करीब 47 करोड़ साल पहले अर्थ के अपर पार्ट में फर्स्ट टाइम एक प्लांट उगना शुरू हुआ और बाकी प्लांट्स भी ग्रो करने लगे और उनकी हाइट भी बढ़ने लगी और इस समय वाटर में रहने वाले एनिमल्स बाहर निकलने चालू हो गए और ज़मीन पर रहने लगे। उस समय अर्थ की सारी ज़मीन एक जगह सैचुरेटेड थी, जिसे पेंजिया कहा जाता है, और उस समय दिन 21 से 23 घंटे का होने लगा और अब एनिमल्स ज़मीन पर रहने लगे इंस्टेड ऑफ लिविंग इन वाटर। क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण एनिमल्स का साइज शेप कलर चेंज होने लगा और वो डायनासोर में बदल गए और जो डायनासोर प्लांट्स को खाने लगे उनकी बॉडी लंबी और बड़ी होने लगी, जो जबकि कुछ डायनासोर शिकार करने लगे, जिसके कारण वो छोटे और तेज होते चले गए। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हुआ और डायनासोर विभाजित होने लगे और अर्थ का अपर पार्ट पानी के संपर्क में आया और इसी कारण प्लांट्स और ग्रो करने लगे, जिसके कारण डायनासोर और विकसित होते चले गए और डायनासोर ने आने वाले समय में अर्थ पर 20 से 30 करोड़ साल तक राज किया। क्लाइमेटिक चेंजेस होने के कारण अफ्रीका से टूटा भारत सीधा आज की तिब्बत से टकराया और इस टकराव से हिमालय माउंटेन का निर्माण हुआ और इस तरह माउंटेन का जन्म हुआ। आज से करीब 6.5 करोड़ ईयर्स पहले एक मेटियोराइट स्टोन जिसका वेट 4.5 लाख करोड़ केजी के लगभग था और जो आज के हिमालय से भी बड़ा है, 80,000 किलोमीटर पर आर की स्पीड से अर्थ के पास आ रहा था और अर्थ से टकराव होने पर अर्थ पे भयंकर आग लग गई। इस टकराव से 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने की बराबर की एनर्जी निकली। इस आग से प्लांट्स और एनिमल्स जल गए और अर्थ में आग धूल फैल गई। समुद्र में बाढ़ आने लगी, भूकंप और आग ने अर्थ को जलाना शुरू किया और इस तरह अर्थ के सारे डायनासोर खत्म हो गए और वही एनिमल सरवाइव कर पाए जो वेट में कम थे और ज़मीन के अंदर थे, मतलब हमारे पूर्वज। फिर से वातावरण में हार्मफुल गैस होने के कारण एसिड रेन चालू हो गया और वातावरण धीरे धीरे ठंडा होता गया और वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया और अर्थ आइस शीट से कवर हो गई। पर अब इस बार 80 से 90 हज़ार साल बाद भी आइस पिघलना चालू हो गया। पहले जैसे ठीक होने लगा, वैसे ज़मीन के अंदर रहने वाले एनिमल्स मतलब छोटे जीव बाहर निकलना चालू हुए। उस वक्त अर्थ की आइस मेल्ट होना शुरू हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे। उस बीच ये ज़मीनी जीव बंदरों मतलब मंकी में परिवर्तित हुए, पर धीरे धीरे अर्थ गर्म होते गया और अफ्रीका के जंगल सूखने लगे। जंगल की चीज़ें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने दो पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करने में मदद मिल जाती और धीरे धीरे बंदर एल्क में कन्वर्ट हुए। खाने की तलाश में ये एल्क
अर्थ के दूसरे दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनकी बॉडी का साइज, कलर वहाँ के मौसम के हिसाब से बदलता गया। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।